हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के लेटेस्ट 5G फोन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G के बारे में। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। फाइनली सैमसंग ने उसका 5G फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये एक फ्लैगशिप 5G फोन है। इसका मेन हाईलाइट रहने वाला है कैमरा और डिस्प्ले। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं S20 अल्ट्रा के डिजाइन से। S20 अल्ट्रा का डिजाइन एकदम रोबस्ट, स्टर्डी वो सिंपल लगता है। इसके पिछले हिस्से में हमें हेज ग्लास फिनिश देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। इसका वेट है 227 ग्राम, जो कि काफी हेवी हो जाता है बाकी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का जो फैंटम ब्लैक कलर है वो काफी सिंपल, प्रीमियम और एलिगेंट लगता है। मुझे इसका डिजाइन पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्लासी और सटल लगता है। चमक धमक नहीं है लेकिन सही है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के बिल्ड क्वालिटी की। इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका बैक भी गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है और ये स्मार्टफोन एल्युमिनियम फ्रेम में बना हुआ है। इस 5G स्मार्टफोन के साथ आपको धूल मिट्टी पानी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये IP68 रेटेड स्मार्टफोन है। चलिए अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के डिस्प्ले के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में 6.8 इंच का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120Hz। इसमें और एक फीचर देखने को मिलता है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का। इसका मतलब ये है कि आप जब गेम खेल रहे होंगे तब रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अप टू 120Hz, और जब आप नॉर्मल यूज कर रहे होंगे तब रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा अप टू 10Hz। चलिए अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के सेकेंड हाईलाइट की, जो कि कैमरा है। इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि लेजर ऑटोफोकस PDF और OIS जैसे फीचर के साथ आता है। इसमें जो लेजर ऑटोफोकस सेंसर देखने को मिलता है वो डिस्टेंस मेजर करने का काम करता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा करीब जाते हो तब ये सेंसर डिस्टेंस मेजर करके ऑटोमेटिकली 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रावाइड कैमरा पर सेट हो जाता है। इसमें 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो टेलीस्कोप दिया गया है, जो कि 10x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलता है। उसके साथ ही इस फोन में 10 to 100x का जूमिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके वन क्लिक में ये 20 फ्रेम्स कैप्चर और प्रोसेस करता है। चलिए अब बात करते हैं 10 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस के बारे में। इसके साथ आप मैक्रो शॉट्स ले पाएंगे और इसमें 3x जूम का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। उसके साथ ही ड्यूल पिक्सल PDF और OIS जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरे के बारे में। इसके साथ आप सुपर स्टेडी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसमें ड्यूल पिक्सल PDF का भी ऑप्शन मिलता है। S20 अल्ट्रा के साथ आप 8K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी 24 फ्रेम पर सेकंड के साथ। इसके साथ और एक फीचर देखने को मिलता है, 8K वीडियो के साथ आपको स्नैप कैप्चर करने का फीचर भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही रियर कैमरे के साथ आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, वो भी 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में। इसमें 40 मेगापिक्सल का वाइड फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके साथ आप 30 और 60 फ्रेम के साथ 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फ्रंट कैमरा के साथ ड्यूल वीडियो कॉलिंग, ऑटो HDR जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं। सैमसंग ने इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है, 12128, 12256, 16512। इसका इंटरनल स्टोरेज टाइप जो है UFS 3.1 के साथ देखने को मिलता है। S21 अल्ट्रा 5G 5 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, सिल्वर, ब्राउन, नेवी, टाइटेनियम। सबके आगे फैंटम जरूर लगा देना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। हाँ दोस्तों, ये 5G फोन तो है, उसके साथ ही इसमें Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 और NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों, इसमें USB Type-C 3.2 का सपोर्ट दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। सैमसंग ने इसमें लेटेस्ट Exynos 2100 दिया है, जो कि 5 नैनोमीटर बेस्ड है। इसमें हमें Adreno का 660 GB देखने को मिलता है। इसके साथ ही S21 अल्ट्रा में Android 11 और One UI 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। इसमें 5000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है, जो कि 25W की फास्ट चार्जर के साथ आती है। एप्पल की तरह ही सैमसंग ने इस बार इन बॉक्स चार्जर हटा दिया है। ये 5G स्मार्टफोन 15W के फास्ट वायरलेस चार्जिंग और 4.5W के रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की प्राइस है फॉर 12GB रैम, 256GB रोम, 1,05,999 रुपये। पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को आप जरूर चेक कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग S21 अल्ट्रा 5G देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। सो गाइस, गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।